तो फ्रेंड्स ये है 27 तारीख की दोपहर की 4 बजे होंगी, ये लोग स्कूल जाके आए थे तो वहाँ से उसका किट लेके आए थे क्योंकि बुक्स जो है बुक स्टोर पे मिलने लगी हैं। तो वो एक बार सबका हाथ लगता है ना एक दूसरे का, तो मैंने धूप में रख दी थी। धूप में रखने से क्या होगा ना, बहुत तेज़ धूप है तो कोई भी वायरस होगा तो मर जाता है, इस वजह से मैंने सारी फैला के रख दी, बैग वैग जो भी आया था। और फिर ये एक चीज़ और करके आ गए थे कि मंडी जाके आ गए थे तो ये सारी सब्जियां ले आए थे। तो जो भी सब्जी वगैरह जो भी चीज़ें आती है बाहर से तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि मेरा व्लॉग बनाने का मन नहीं था लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। तो ये सारी सब्जियां मैंने बाहर ही धोई बेकिंग सोडा के पानी में, फिर उनको धूप में सुखाया। यहाँ पे ईलू अपनी बुक्स जो है वो देख रही है। देखो ये किट आया था 4,500 का, ये सारा किट आया है जिसमें बैग है, बुक्स हैं और कॉपीज हैं। तो अभी ना खर्चे कम होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल ज़रूरी खर्चे हैं, ये करने भी पड़ रहे हैं। तो सैलरीज तो हो रही हैं कट और खर्चे जो हैं उतने ही हैं या फिर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में बस बचत ही जो है थोड़ा सा सहारा, पिछली अगर कोई बचत हो तो वो बन सकती है या अभी हम थोड़ा सा लिमिट से चलें तो वो थोड़ा सा हो सकता है। इसलिए मैं बार बार खुद भी सोचती हूँ कि मैं बचत कर लूँ लेकिन होना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि खर्चे सारे वही हो रहे हैं। तो बस यहाँ पे नेक्स्ट डे है, मैंने उस दिन फिर कुछ शूट नहीं किया था। यहाँ पे बस सफाई से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे ईलू सो रही है तो बस एक बार थोड़ी सी हल्की सी झाड़ू दे दूँगी। ये जा चुके थे, इनका टिफ़िन भी हो चुका था तो बस यहाँ पे चीज़ों को वही सेट करना वगैरह, तो फटाफट से बस अपना ये काम जो है मैंने सोचा निपटा लेती हूँ। फिर ईलू उठती है तो फिर वो अलग काम हो जाते हैं कि भाई उसको क्या नाश्ता देना है क्या नहीं करना है। तो बस यहाँ पे क्योंकि आज वो सब्जी वब्जी जो पिछली आई थी ना वो भी मुझे रखनी थी किचन में, तो फ्रिज में सारी वापस से एक बार सेट करके, तो यहाँ पे इसीलिए किचन में आ रही हूँ। तो ये बस देखिए कितनी फैल रही है। और जो जो बड़े बड़े डब्बे हैं ना मेरे, उसमें ना कई चीज़ें भर रखी क्योंकि 2 महीने का सामान मैंने एक साथ मंगा लिया था ना, तो इस वजह से ना जगह डब्बे कम पड़ गए और सामान ज़्यादा हो गया। तो अब जब है ना 1 महीना निकल गया तो 1 महीने का सामान ख़त्म हो गया, तो वो सारा वापस से भर रही हूँ। जो भी ये भुजिया भुजिया है ना जो वहाँ बीकानेर से लाई थी, एक पैकेट बचा है अब तो, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में इनको कई बार ये भुजिया की सब्जी दे देती हूँ जल्दी जल्दी टिफिन में। तो फूल मखाने भी मेरे लास्ट डे ना ख़त्म हो गए थे डब्बे में से, तो भूख भी लग रही थी तो मैं अंदर से निकाल नहीं पाई और मुझे भूख ही लगती रही और मैं खा नहीं पाई, तो इस वजह से अलग डब्बे में निकाल के रख रही हूँ। थोड़ा सा ये किचन को सेट करके फिर सब्जियों को सेट करना है। तो सब्जियों की जो रेखा तेली जी की कोई रिक्वेस्ट थी वो भी मैंने सोचा पूरी कर देती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड कांची। कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। कल मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की तो आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। आज क्या डेट है, मे बी 28 तारीख हो गई होगी आज। हाँ, तो बस कल ये सब्जियाँ लेके आए थे तो बाहर ही मैंने धो दी थी और धोने के बाद धूप में भी रख दी थी, तो बस फ्रिज में रखनी है, मैंने रखी नहीं थी। ना रखो ना फ्रिज में तो एक दिन में या एक रात में ख़राब सी होने लगती है, थोड़ी सी वो तो फ्रेश नहीं रहती है। तो ये लेके आए थे फली और ये पता है इन्होंने एक गलती कर दी थी, मंडी चले गए। मैं बहुत मना करती हूँ इनसे मंडी में, लेकिन इनके ऑफिस के रास्ते में मैंने इनसे ओनली मैंगो मंगाए थे, लेकिन क्या हुआ कि मंडी पड़ती है तो इन्होंने मैंगो खरीदे, वहाँ 50 रुपये किलो ही मिल रहे थे और सब्जियाँ सारी 10-10 रुपये की इतनी मिल रही थी। देखो 10 रुपये की फली, 10 रुपये के 4 बैंगन है 10 रुपये के, और 10 रुपये किलो टमाटर, 10 की शिमला मिर्च, 10 के करेले आ गए तो मैंने बना दी और आधे और रखे थे पहले के, और 10 की मिर्ची, 10 की भिंडी आधा किलो, और 50 के 100 के 2 किलो आम मिल गए, और ये तरबूज, ऐसे तरबूज भी 2 लेके आए थे। तो मैंने मंडी से इनको मना कर रखा है लेकिन ये माने नहीं। लेकिन आप अभी मंडी वंडी ना जाएं, आसपास से ले लें तो बेटर होगा। तो हाँ, ये जब सब्जियाँ मुझे रखनी थी तो सब्जियों से मुझे याद आया कि रेखा तेली जी ने मुझसे पूछा था कि बिना फ्रिज के, अगर किसी के घर में फ्रिज ना हो तो सब्जियों को बहुत ज़्यादा दिनों तक, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ दिनों तक ताज़ा रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो चलो थोड़ी बहुत बातें जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आलू हुआ, प्याज हुआ, लहसुन, आलू को कभी भी प्याज के साथ नहीं रखना है, उससे आलू जल्दी ख़राब होता है। तो आलू को लहसुन के साथ रखेंगे तो आलू ज़्यादा दिनों तक टिकेगा। आलू हुआ, प्याज हुआ, और ये जो लहसुन हुआ उन्हें हवा लगने दे। आपने देखा होगा लहसुन और प्याज और कोई लटका के जूट के थैले में नहीं रखते हैं, वैसे आप अगर रखेंगे तो उसमें हवा भी लगती रहेगी और वो ज़्यादा दिनों तक जो है टिका रहेगा। प्याज है, प्याज को आप एक अखबार का होता है ना वो ठूंगा कहते हैं या कुछ एनवलप होता है लिफाफा, उसमें डाल दें और उसमें छेद कर दें प्याज को डाल के, फिर उसको एक अंधेरी जगह पे रख दें, ठंडी कोई अंधेरी जगह हो वहाँ पे रख दें, उससे प्याज लंबे समय तक टिका रहता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पर नहीं रखना, इससे क्या है
कि प्याज जल्दी ख़राब हो जाएंगे। लहसुन प्याज को एक साथ रखिए, तो लहसुन और आलू को, तो आलू जल्दी ख़राब नहीं होंगे। दूसरा, अगर जैसे ये शिमला मिर्च हुई, बैंगन हुआ है ना, और कोई सहजन की फली वगैरह जो हुई, उनको आप क्या कर सकते हैं कि सूती कपड़ा लो, उसे गीला करो और उसमें इन सब्जियों को लपेट कर रख दो, तो ये काफ़ी दिनों तक जो है ताज़ी रहेंगी। और क्या क्या सब्जियाँ होती हैं, और जैसे कि अदरक हुई, हाँ अदरक को आप, अगर आपके घर में कहीं मिट्टी है उसको अधिक दिनों तक अगर आपको ताज़ा रखना है तो अदरक को मिट्टी के अंदर दबा के रख दीजिए, और जब यूज़ आपको करना हो ना तब निकाल लीजिए, तो वो काफ़ी दिनों तक जो है ताज़ा रहता है अदरक। अब ये हुआ टमाटर, टमाटर को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए आप क्या कीजिए, प्लास्टिक का बैग लीजिए, उसमें डाल दीजिए टमाटर, लेकिन उस प्लास्टिक बैग में थोड़े थोड़े छेद करने हैं आपको, और ऐसे करके रख दीजिए, ठीक है। और सब्जियों को गैस के पास नहीं रखना है और धूप के पास नहीं रखना है, इससे सब्जियाँ जो है वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और क्या हो सकती है, गाजर जैसे अभी तो सीजन नहीं है, लेकिन गाजर वाजर को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखना हो, या मिर्ची को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखना हो, तो इनके जैसे मिर्ची के तो अपन डंठल तोड़ दो और फिर एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दो, और ऐसे ही गाजर का ऊपर का पार्ट निकाल दो और एयर टाइट कंटेनर में रख के आप थोड़े दिनों तक उसे ताज़ा रख सकते हैं। और क्या हो सकता है, और कौन कौन सी सब्जियाँ होती हैं, तो ऐसे हम सब्जियों को बिना फ्रिज के भी जो है वो सुरक्षित रख सकते हैं। और जैसे हरी सब्जियाँ होंगी, हरी सब्जियों को तो देखो बहुत ज़्यादा दिनों तक रखना भी नहीं चाहिए, वो ख़राब होने लगती है। हरी सब्जियों को थोड़ा थोड़ा दूर पे रखें, उनको फैला के रखें, पास पास ना रखें, इससे वो जल्दी ख़राब होंगी, तो इन्हें दूर दूर पर रखें। और कभी भी सब्जियों को एक के ऊपर एक टोकरी में ऐसे ना रखें, इससे सब्जियाँ जल्दी ख़राब होती हैं, अलग अलग दूर दूर थोड़ा सा फैला के रखें, तो सब्जियाँ जो हैं ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रह सकती हैं। अब जैसे आम हुए, सूखे आम हुए, पायस हुआ, तो इनको आप नमक के पानी में रख दीजिए, तो वो ज़्यादा दिनों तक जो है ताज़े रहेंगे। तो ये छोटी मोटी बातें जो जो मुझे याद थी वो मैंने आपको बता दी कि बिना फ्रिज के, ठीक है। दूसरा, आपको मम्मी मेरी बताई चुकी है आइस बॉक्स के बारे में, मम्मी के ब्लॉग में आपने देखा होगा, मम्मी ने आइस बॉक्स का बोला है, अगर किसी के पास फ्रिज ना हो तो वो आइस बॉक्स ले सके। हाँ, मैंने मेरे पास बहुत टाइम पहले की बात है, जब फ्रिज नहीं था ना, वो जो इलू की चीज़ें रखनी होती, तो मैंने भी एक आइस बॉक्स जो है वो ले रखा था, मतलब रूम में नहीं था मेरे फ्रिज, और लेकिन ज़रूरत पड़ती है बच्चे के साथ, रूम में भी हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बच्चा जब हो जाता है तो बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने एक आइस बॉक्स ले रखा था, जब हम किचन में नहीं जा सकते ना उस टाइम के लिए, तो मैंने ना एक आइस बॉक्स ले रखा था। आइस बॉक्स में बर्फ़ डालती थी और मैं उसका दूध भी रख लेती थी, मैं उसकी चॉकलेट भी रख लेती थी, उसके फ्रूट्स रख लेती थी, ऐसे, क्योंकि बच्चा छोटा होता है वो तो मांगता है, और अगर हम किचन में नहीं जा सकते तो उसको कौन देगा, तो इसलिए मैंने उस टाइम के लिए आइस बॉक्स खरीद रखा था। फिर तो मैंने छोटा फ्रिज ले लिया था, एक छोटा फ्रिज भी मेरे पास था, इतना था वो, मैंने 8,000-8,500 का लिया था, 6,500-6,000 के भी फ्रिज आते हैं, बहुत छोटे छोटे आते हैं, लेकिन उसमें यार इतनी सब्जियाँ और अपन रख ही नहीं सकते, इतना छोटा होता है वो, तो इस वजह से वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन 8,500-8,000 वाला जो फ्रिज होता है ना, उसमें तो काफ़ी कुछ आ सकता है। फिर मैंने बड़ा ले लिया था ऐसे करके, तो ये है, तो इस तरीके से हम कुछ सब्जियों को जो है सुरक्षित। तो भाई ये तो जो मुझे पता था वो मैंने बता दिया, लेकिन अगर आप लोगों के पास भी ऐसे ही कुछ टिप्स हो जिनसे कि हम सब्जियों को ताज़ा रख सकते बिना फ्रिज के, तो आप लोग भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में वो टिप्स जो है वो शेयर कर सकते, इससे हमें और हमारी बहनों को अगर कोई फ़ायदा मिलता है तो कितनी अच्छी बात होगी, एक दूसरे से हम सीखेंगे कितनी अच्छी बात है। अब देखो मैं तो सर्वज्ञानी तो हूँ नहीं, है ना, जितना मुझे नॉलेज होती है मैं उतना आप लोगों को बता देती हूँ, वैसे ही आप लोगों को भी, आप सब भी गृहिणी, आपके अंदर भी इतना सारा जो है टैलेंट है, तो आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में कि क्या आप लोग क्या क्या ये जो है चीज़ें या उपाय जो है वो अपनाते, सिर्फ फ्रिज को लेकर या सब्जियों को लेकर ही नहीं, आप बचत को लेकर भी, आप बजट को लेकर भी मुझसे जो है वो सब कुछ शेयर कर सकते हैं। इससे होगा क्या, मुझे भी आप लोगों से कुछ सीखने को मिलेगा, और जो हमारे वीडियो पे आएंगे वो बहनें भी वो कमेंट रीड करेंगी, तो उन्हें भी कुछ सीखने को मिलेगा, और जो मुझे लगा कि बहुत अच्छा है और हाँ कारगर है, तो मैं बताऊंगी भी आगे नेक्स्ट व्लॉग में, बता दूंगी कि भाई इन्होंने मुझे ये जो बताया था तो आप लोग भी अपना सकते हैं, तो इससे मुझे भी फ़ायदा, आपको भी फ़ायदा और सबको भी फ़ायदा। तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे सब कुछ पता हो, क्योंकि मैं भी एक साधारण लेडी हूँ, साधारण औरत हूँ आप लोगों के जैसी ही हूँ,
तो मुझे भी इतना कुछ पता नहीं होता है, आप अपनी जो चीज़ें हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, ताकि जो मुझे नहीं आता हो वो मुझे भी पता चल जाए। तो ज़रूर से बताइएगा, हर टॉपिक को लेकर आप बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इन सब्ज़ियों को लेकर ही, आपको कई लोग मुझसे शेयर भी करते हैं तो मुझे वो अच्छा भी लगता है, कई चीज़ों को मैं अपना के भी हूँ, कई जो कमेंट्स हैं उनसे मैं मोटिवेटेड हूँ। जैसे आप लोग मुझे बोलते हो ना कि हम आपसे मोटिवेट होते हैं, वैसे ही मैं आप लोगों से कईयों से जो है मोटिवेट होती हूँ। तो बताइए, बताया कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अपने जो सुझाव हैं वो भी मुझे दे दिया कीजिएगा। जैसे कि कल की बात बताऊँ, मैं छाया जी से वापस से मोटिवेट हो गई, क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ, अभी डाइट पे ही हूँ, और सब पहले मैं जैसे छाया जी ने बताया कमेंट में अपने ये वो कर रही, मैं अभी एक टाइम थोड़ा सा आलस कर रही थी कि एक टाइम एक्सरसाइज कर रही थी, जैसे ही मैंने उनका कमेंट रीड किया मैं चेंज किए कपड़े और दूसरी बार एक्सरसाइज करने लगी। लू बोलती मम्मी ये क्या करने लगी, तो मैंने कहा बेटा मैं ना मोटिवेट हो गई और मैं भी दूसरी बार सेकंड टाइम एक्सरसाइज करूँगी। तो ऐसा है, ऐसे हम एक दूसरे से मोटिवेट हो जाते हैं, इससे हम लोगों को ही फायदा है। तो अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख सकते हैं, आप चाहें तो फोर्स नहीं करें, चाहें तो आपके पास कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हो तो आप वीडियो से रिलेटेड या किसी ने कुछ पूछा हो तो आप एक दूसरे को भी बता सकते हैं, मुझे भी बता सकते हैं। तो चलो ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो बस फिर ये जो चावल वावल थे, चावल क्योंकि डोसा वोसा बनाया ना तो चावल डब्बे में से ख़त्म हो गए थे, थोड़े ही रह गए थे मतलब, तो फिर मैंने 1 किलो का पैकेट और रखा था क्योंकि 3 किलो लाई थी, लेकिन चावल मेरे 2 किलो ही उठते हैं, लेकिन डोसा बना लिया था ना इस वजह से थोड़े से खप गए, तो वो वापस भर रही हूँ। पोहा हुआ जो भी खाली हो गया था ना डब्बा, वो खाली डब्बे वापस से भर के रख रही हूँ। ये है बिस्किट, इसका मैं आपको बता दूँ कि ये मैं अपने काम आसान करने के लिए करती रहती हूँ ऐसे काम। बिस्किट के कई पैकेट रखे थे खुले भी, और ये तो ये झूठे तो होते नहीं है, लेकिन एक दो हमने खाए और बस फिर वो रख दिए, तो वो खाने में फिर कुछ दूसरे डब्बे का स्मेल आ गई या कुछ, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आज प्री मिक्स बना के रख देते हैं केक के लिए। बिस्किट का केक नहीं होता है, उसके लिए केक बनाओ तो पहले बिस्किट को चूरा करो, ये करो वो करो, तो मैंने सोचा आज एक साथ ही सारे बिस्किट जो है ना, इलू आजकल बिस्किट खाती नहीं, तो सारे बिस्किट को मिक्सी में डाल के थोड़ी सी साथ ही में चीनी डाल के और इसका पाउडर बना के रख देती हूँ। फिर होगा क्या कि बस बेकिंग सोडा डाला और दूध डाला और बिस्किट का केक बन जाएगा। तो हम औरतों का यही काम है, अपना आगे से आगे का काम ना हम आसान करते रहते हैं। मैं तो यही करती हूँ और आप लोगों में से भी बहुत जने यही करते होंगे, है ना। तो यहाँ पे बिस्किट का जो है पाउडर बन चुका था, तो ये डब्बे में डाल करके और मैं रख दूँगी, ताकि जब भी विलू का मन करे मैं फटाफट से बना दूँ बिस्किट के कपकेक। तो बस लीजिए, बन गया हमारा बिस्किट के कपकेक के लिए पाउडर बन गया है बिस्किट का। इसमें ये भी नहीं है कि चीनी और अलग से मिलानी पड़े, चीनी मिला दी है मैंने इसमें। और बस अब आपको अब क्या करना है, अब मैं जब बनाऊंगी, निकाला इसको पाउडर को, दूध डाला और बेकिंग सोडा या इलो डाला और बस कपकेक बेक कर दो या स्टीम कर दो, फटाफट से बन जाएंगे। स्टीम वाले इलो को पसंद है तो वो मैं बनाती हूँ, तो फटाफट से बन जाएंगे। आप भी ऐसे करके रख सकते हैं, ये इजी रहेगा, काम को इजी करने के तरीके हैं और तो कुछ नहीं, वरना बिस्किट का पैकेट खोलो तोड़ो फिर बनाओ इसके लिए। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी मुझे भूख लगी थी, तो बस तरबूज और कट कर लूँगी और मैं और इलू जो है वो खा लेंगे। तो मैं अभी यही चीज़ें ले रही हूँ, तरबूज गर्मियों में बहुत अच्छा होता है और जो है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, तो इस वजह से हमें तरबूज जो है खा लेना चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है ये, कई जगह पे आप देखेंगे तो 20-25 भी मिल जाता है और बहुत जगह पे भी 10 रुपये किलो भी जो है वो मिल जाता है। तो लेकिन आता थोड़ा सा हैवी है साइज़ में, तो पैसा उतना ही लग जाता है। तो बस यहाँ पे ये छिलकों को मैं वेस्ट नहीं करूँगी और फिर काम आसान करने वाले काम करने लगे, जो भी मेरे पास टाइम होता है ना मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, उससे क्या कर लेती हूँ मैं आगे का काम आसान कर लेती हूँ। जैसे कि शाम की तैयारी कर ली मैंने खाने की, या शाम को सुबह की कर ली, तो ऐसे। तो यहाँ पे तरबूज के छिलके को मैंने कट कर लिया है, वो निकाल दिया हरा वाला पार्ट, और इसकी जो मैं है प्यूरी बना लूँगी। इसमें कोई पानी नहीं डालना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी होता है, तो बहुत अच्छे से इसमें प्यूरी बिना पानी डाले ही जो है इसकी प्यूरी बन जाती है। इसके मैं क्या करूँगी, कोफ्ता बनाने वाली, कोफ्ते बना के रख दूँगी, तो शाम को मेरा काम आसान, बस प्यूरी बनाई ग्रेवी और बस कोफ्ते डाल दिए उसमें सब्जी में, कोफ्ता करी हो जाएगी ये तरबूज की। तो ये मैंने प्यूरी इसकी बना ली है, तो ये देखिए प्यूरी इसकी तैयार हो चुकी है। थोड़ा फिर मैंने इसको स्ट्रेनर में छान लिया था, ये तो थोड़े ही थे ना, आधे तरबूज का छिलका था, इसलिए आपके पास और ज़्यादा छिलके हों तो आप कर सकते हैं। तो इस पर क्या किया मैंने, इस प्यूरी में थोड़ा सा बेसन डाल दिया था, बेसन बहुत ज़्यादा मत डालना वरना कोफ्ते जो है ना वो टाइट हो जाते हैं। तो ये बेसिक मसाले डाल दिए, नमक मिर्च हल्दी और हींग, फिर इसको मिक्स हम कर लेंगे। मिक्स करके इतना हमें बेसन बस डालना है कि ये पकौड़े बन जाए, फैले नहीं, और पानी इसमें ऐड करना नहीं है क्योंकि तरबूज के छिलकों का पानी वैसे ही है। थोड़ा सा पानी मैंने तरबूज के छिलकों में से निकाल दिया,
गया था। तो ये देखिए ऐसे पकोड़े जैसा घोल बन गया। तो अब हम इसे पकोड़े कहें या कोफ्ते कहें, कुछ भी कह लें, जैसे हम बनाते हैं ना घिया कोफ्ता, तो वैसी ही सब्ज़ी बिल्कुल के बन करके जो है इसकी तैयार होती है। तो यहाँ पर मैं इसके पकौड़े या कोफ्ते जो भी कहें वो फ्राई कर लूँगी तेल में। इलू और इनके लिए मैं ये वाली सब्ज़ी जो है थोड़ा लेना कम ही पसंद करूँगी, क्योंकि जहाँ भी ऑयल वाली चीज़ है तो मैं थोड़ा कम लेना पसंद कर रही हूँ। तो बस इसके कोफ्ते बना के रख दूँगी, क्योंकि इस टाइम पर एक बज चुकी थी। तो मैंने कोफ्ते बनाए और बस बना करके मैंने सोचा रख देती हूँ, तो मेरा शाम का काम हल्का हो जाएगा। तो क्योंकि कोफ्ते बने पड़े रहेंगे तो ग्रेवी में बस छोंगी, और एक सब्ज़ी और चाहो तो मैं अपने लिए बना लूँगी, जो कि मैं सोची थी शाम की तैयारी भी मेरे दिमाग में पहले से होती है, तो मैंने सोचा था बीन्स बना लेंगे। तो ये देखिए फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं हमारे कोफ्ते। तो इस तरीके से मैं अपना काम जो है वो आसान कर लेती हूँ, सुबह को शाम की तैयारी कर लेती हूँ, रात को अगली सुबह की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस ये तैयार किए और फिर फटाफट, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि जितना एक दो बार नहाना ही पड़ता है दोबारा से, तो बस यहाँ पे नहा के आ गई हूँ, कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि टी शर्ट वगैरह, थोड़ी साइकिलिंग की थी बीच में मैंने, तो साइकिलिंग वाइकलिंग करो तो थोड़ा सा पसीना आ जाता है, तो फिर नहा के कपड़े चेंज कर लो तो हाँ थोड़ा फ्रेश फील होता है। तो बस जैसे तैयार हुई फिर इलू को खाना परोस रही थी, क्योंकि एक बज गई थी, नाश्ता उसने कर लिया था तो अभी जाके उसको भूख लगी। तो उसने बोला था मैं पुलाव खाऊंगी, तो वही आपको पता है आजकल उसको पुलाव बहुत पसंद आ रहा है, गार्लिक और टमाटो वाला, तो बस उसके लिए ये बना दिया था। और साथ ही फिर शाम की तैयारी और शाम का काम हल्का करने के लिए यही कर रही हूँ, सभी लोग करते होंगे ना, आप लोगों में से भी कौन करता है कि अगले टाइम का काम जो है हमारा हल्का हो जाए। तो यहाँ पे जो ये बीन्स है वो आधी बीन्स इसमें से मैं कट कर लूँगी, पूरी नहीं, क्योंकि शाम को मुझे बीन्स की मन था कि मैं बीन्स खा लूँ, मुझे बीन्स बहुत पसंद है सूखी वाली। एक मेरी मम्मी बनाती है गीली वाली नहीं, जिसमें ना आलू ना टमाटर, एक सूखी होती है बस, जैसे नॉर्मल सब्जी छोकती है ना वैसे, तो थोड़ा सा पानी का छींटा मार दो अच्छी लगती है सूखी सूखी क्रिस्पी क्रिस्पी सी। तो बस ये बीन्स को मैं कट कर लूँगी, तो मेरा शाम का फिर काम हल्का हो गया। तो बस आटा लगाना पड़ेगा और सब्जी फटाफट कटी हुई होती है तो हम ऐसे ही छोंक डालते हैं। तो बस तैयारी हुई हुई हमारी पहले वाली जो तैयारी है ना प्री प्रिपरेशन, वो पहले हो रखी हो ना, तो बस फिर खाना बनाने में टाइम नहीं लगती। तो ऐसे ही मैं अपना काम हल्का करती रहती हूँ, तो नींद आती नहीं तो करे क्या इंसान, तो फिर बस दोपहर को भी ये सब कर लो या कभी कुछ कर लो, अपना हॉबीज़ को कर लो। तो फिर बस ये थोड़ा सा सेट करूँगी, और क्योंकि ये शाम हो चुकी थी तो बस मैंने कढ़ाई पे तेल चढ़ा दिया था, और ये बीन्स की सब्ज़ी मुझे फटाफट छोक देनी थी। ये बजे थे 4:30 या 5 ही हुई होंगी, ये आ जाते हैं फिर बस मैं इनके आते हैं, इनको कुछ देती हूँ और फिर अपना खाने में लग जाती हूँ। तो बस ये बीन्स मैंने डाल दिए, जैसे नॉर्मल सब्ज़ी हम छोंकते हैं, तो बस बीन्स को डाला, सारे मसाले डाले और बस हो गया। तो ये जैसे ही होगी एक गैस में ये होती रहेगी, 4 बर्नर वाले गैस का भी ये फ़ायदा है कि एक गैस में ये होती रहेगी। इसको ढक के रख दूँगी और बस अगली तैयारी कर लो फिर, और अगली सब्ज़ी बना लो। तो ये मैंने 2 टमाटर लिए, अदरक का टुकड़ा लिया और हरी मिर्च, इसको फटाफट से बस इनकी प्यूरी बना लूँगी मैं टमाटर की। तो यहाँ पे मैंने टमाटर की भी और प्याज की भी बनाई थी, क्योंकि इलू बीन्स नहीं खाती है, तो वो मैंने सोचा कोफ्ता करी खा लेगी, और उसको बाहर जैसा होटल जैसा टेस्ट प्याज जैसे आ जाता है, तो इस वजह से डाल देती हूँ। क्योंकि बच्चे जो खाए ना उन्हें वही खिलाना चाहिए, वही उनके अंग लगता है, और कि जिस तरीके से वो खा रहे हैं तो हमारे लिए तो संतुष्टि की बात है। तो ये देखिए तेल चढ़ाया मैंने, उसमें राई डाली, 2 लौंग डाली, हींग डाली और ये प्याज का पेस्ट डाले, 1 प्याज का प्यूरी बना ली थी। और प्याज की प्यूरी जब तक पकती है तब तक हम फिर, जब पक जाएगी तो हम टमाटर हरी मिर्च की प्यूरी डाल देंगे और अदरक की साथ ही बना ली थी। फिर मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी, जो भी बेसिक मसाले, हल्दी हुई, मिर्ची हुई, धनिया पाउडर हुआ और जो नमक हुआ, और नमक का थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि हम कोफ्तों में भी नमक डाल चुके हैं। तो इस तरीके से हम इसे तेल के सेपरेट होने तक पका लेंगे इस प्यूरी को। जैसे ही सेपरेट होगी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और पानी में उबाल आने देंगे, और पानी में उबाल आते ही हम हमारे जो कोफ्ते हमने दोपहर को बना लिए थे वो वाले कोफ्ते हम इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। और फिर हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे, आज का हरा धनिया मेरे पास नहीं है तो बस कसूरी मेथी डाल दो, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। हरा धनिया आपके पास हो तो सब्ज़ी बनने के बाद आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर ये है दही, थोड़ा सा दही लिया है मैंने और इसको फेंट करके डाल देंगे। दही जब डालें तो गैस की जो फ्लेम है वो बिल्कुल सिम कर दें ताकि दही फटे नहीं। तो बहुत ही अच्छी ग्रेवी वाली तरबूज के छिलकों की वेस्ट से हमने टेस्ट बना लिया है। ये देखो तो कितनी अच्छी बन गई ना सब्ज़ी, और टेस्ट में भी बहुत अच्छी थी। हाँ थोड़ा सा मिठास आती है, ये जो कोफ्ते होते हैं ना उनमें थोड़ी सी मिठास ज़रूर आती है, तो आप हरी मिर्च का पेस्ट डाल दीजिए उसमें, जो कि कोफ्ते हैं ना उनमें भी। तो बस ये जो बर्तन वर्तन नहीं लगाए थे दोपहर को वो लगा दूंगी, क्योंकि बर्तन दिन भर ही होते रहते हैं तो वो दिन भर ही करती हूँ, तो दिन भर ही जो ये बर्तन वाली टोकरी है ना उसमें बर्तन रहते ही रहते हैं, तो बस वो लगा रही थी।
और वो लगा के और अपना, फिर मेरे पास क्योंकि सारा खाना बन चुका था और टाइम मेरे पास था तो इस टाइम को भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी। मैंने सोचा ये आटा जितना भी है ना, आटे का डब्बा खाली हो गया था तो छान कर रख देती हूँ, तो फिर मैं अपना काम को आसान कर रही हूँ ताकि बस मुझे आटा छानना ना पड़े। तो मैंने पूरे आटे को ही ना छान कर रख दिया। तो कई लोग ऐसा करके रखते होंगे, है ना, आप में से कौन कौन पूरा आटा छान कर रखता है ये मुझे बताइएगा ज़रूर। तो इस तरीके से औरतें अपना काम जो है वो आसान कर लेती हैं। तो बस 7:30-8:15 में रोटियां बना लेती हूँ, फिर खा लेते हैं, फिर मैं वॉक कर लेती हूँ और मैं अपने लिए निकालती हूँ बिना घी की और इलू और इलू के पापा के लिए घी की। तो बस फिर खाना खा लिया था, वॉक कर ली थी और बस किचन की सफाई और जो डेली रूटीन होता है किचन क्लीनिंग वगैरह का और नेक्स्ट डे की तैयारी जो और मैं करती हूँ वही। तो ये बस डिनर में था, कोफ्ते की सब्ज़ी और बीन्स की सब्ज़ी मेरे लिए और बस रोटी। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। बाय, टेक केयर।